मॉर्निंग। तो बस अभी अभी अनिका को स्कूल छोड़कर आई हूँ और हमारी जो बाइक है हज़ारों साल पुरानी उसमें भी पेट्रोल और थोड़ा सा टायर्स में हवा डलवा कर लाए हैं क्योंकि पेट्रोल ख़त्म हो गया था। और हम लोग मतलब उसका वो जो पेट्रोल दिखाने वाला कांटा होता है ना वो ख़राब हो रखा है तो हमको पता नहीं चलता है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो जब ख़त्म होता है तब लेकर जाते तब तक चलाते। काफ़ी पुरानी बाइक है, 15 साल पुरानी है। राज ने अकेले चलाई, फिर हम दोनों ने दुकेले चलाई और फिर अनिका के साथ हम तिकेले चला रहे हैं। सो जनरेशन वाली हो गई भाई ये बाइक तो। तो पर्दा जो है कल धोया था और आज टंग गया है और मुझे लग रहा है कि मैं पर्दा अभी इस साइड टांगू क्योंकि इस साइड थोड़ा सा ना बैठ के पीछे चला जाता है ना तो थोड़ा सा वो ख़राब हो जाता है। तो मैं सोच रही कि इसे इस साइड टांगू। और जी हाँ, ये चिवड़ा चकली सब रखा है। ये मेरी मम्मी ने बनाया हुआ चकली है और ये मम्मी ने बनाया हुआ चिवड़ा है तो मैंने इसे आँखों के सामने ही रखा है कि जब मन चाहे तब खा लूँ। पर अब मुझे ये खाना पीना बंद करना चाहिए क्योंकि यस थोड़ा सा मेरा जो टमी है वो गंदी तरह से आगे आ गया है और लगता है जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ। और कुछ क्वेश्चन तो आ भी जाते हैं कमेंट बॉक्स में कि दी आप प्रेग्नेंट हो, दी आप प्रेग्नेंट हो। नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, पर जी हाँ ये जो टमी है गंदी तरह से आगे आ रहा है जो कि प्रेग्नेंट वाला लुक दे रहा है। तो जी हाँ, इस पर काम करना है। तो आज से ही करूँगी, कल करे सो आज कर, आज कर से अभी। अब भी करूँगी कि नहीं पता नहीं, पर आज से स्टार्ट करूँगी। अब जा रही हूँ नहाने। रात जो है सुबह ही नहा धोकर 9 बजे ऑफिस चले गए हैं और अभी बज रहे 10:15 और मेरे घर के सारे डस्टिंग, झाड़ू पोछा सब कुछ हो रखा है। अभी सिर्फ लंच बनाना है और अपना अपना काम ख़त्म करना है, बस यही काम रह गया अभी। तो अच्छा लगता है मुझे जब सुबह सुबह घर के सारे काम हो जाए ना एकदम टाइम पर, तो बढ़िया लगता है। तो चलिए मैं नहा धो लेती हूँ और आज से मुझे डेफिनेटली अपनी एक्सरसाइज या जो भी रूटीन है वो स्टार्ट करना है क्योंकि ये ना बहुत गंदा लग रहा है, लाइक अच्छा नहीं लग रहा है। सो हेल्दी रहना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी मतलब वैसे वाला हेल्दी नहीं, हेल्दी मतलब बॉडी आपकी स्ट्रांग एंड फिट एंड वैसी हो, वो वाला ज़रूरी है ना। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा या पहले एक्सरसाइज कर लूँ? हाँ, अभी वैसे भी मैंने कुछ खाया नहीं है। आई थिंक एक्सरसाइज के लिए बेस्ट है, तो मैं एक्सरसाइज पहले कर लेती हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं क्या करती हूँ। मुझे एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं रेगुलर नहीं हो पाती हूँ। इनफैक्ट लास्ट टाइम मैंने एक्सरसाइज कब किया था वो मुझे याद नहीं है, और एक महीने से तो पहले ही किया था, एक महीने के बीच में तो डेफिनेटली मैंने नहीं किया है, ये मैं एक्सेप्ट करूँगी। और मैं क्या करती हूँ, मुझे ना थोड़ा सा डांस वाला वर्कआउट करना बेटर लगता है, अच्छा लगता है मुझे। वो एकदम एक्सरसाइज करना वो अच्छा नहीं लगता, और योगा भी बहुत अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट हमने कपल योगा भी लगाया था बट उस समय मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो फिर मैंने वो कपल योगा छोड़ दिया और मेरी वजह से राज ने भी उसे कंटिन्यू नहीं किया। और फिर जब अभी जो भी मेरे साथ हुआ उसे भी होकर 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, 3 महीना या 2 महीना मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं है, तो भी हमने लगाया नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो माहौल था फेस्टिव सीजन का उसमें काफ़ी इग्नोर हो गई है चीज़ें। हेल्थ तो सबसे पहले इग्नोर हो गई है। तो यहाँ पर मैंने डांस वर्कआउट लगा दिया है, मेनली जो बिपाशा बासु का 5 साल पहले का जो डांस वर्कआउट है वो मैं करती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है करना। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, इनफैक्ट आप मेरे साथ चालू कर सकते हैं और कहीं मैं बीच में रुक जाऊँ तो आप मुझे बोल सकते हैं कि तुम आजकल कर नहीं रही हो, और अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपको बोलूँगी। पर ये बात है कि आप बताओगे कमेंट बॉक्स में तब तो मुझे पता चलेगा, है ना, क्योंकि मैं तो आपके लाइफ की कैसे अपडेट ली। तो कमेंट बॉक्स खुल गया है, अपने अपडेट दो, बताओ मुझे, डांटो मुझे कि मैं वर्कआउट नहीं करूँ पर आज कर रहा हूँ, ठीक है।
डन विथ वर्कआउट. सांस फूल गई, माय गॉड स्टेमिना ज़ीरो हो गया है. इसे बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है क्योंकि हो गया है. आज मैंने 20 मिनट्स ही किया, इससे ज़्यादा नहीं है स्टेमिना. आई नीड छोटू सा ब्रेक या रेस्ट वॉट एवर. तो अभी मैं नहा कर आई और मैंने आज अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, ये आज नहीं 4-5 दिन पहले, मोराकिन कर्लिंग परफेक्शन डिफाइनिंग क्रीम. फाइंड हो ना नहीं कर दिया था, नहीं कहता हमको आता तो है, पेन नहीं चलता आधे टाइम. और यहाँ पर नंबर सो कुरियर आया है. आप में से किसी ने इसे यूज़ किया कैसे पहले बताइएगा. काफ़ी मुझे कॉस्टली मिला है ये. इसकी MRP 2000 रुपीज़ लिखी है, अगर मैं आपको पास से यहाँ पर दिखाऊँ तो कैमरा फोकस, यहाँ पर 2000 लिखी है बट ये मुझे 1000 रुपीज़ में मिला है. ओके कोई खुशबू नहीं है इसमें. ये एक्चुअली मेरे आजकल जो बाल थोड़े कर्ली हो रखे हैं ना उनके लिए मैंने मंगवाया है, जिससे थोड़े डिफाइन लगे. क्या होता है थोड़े से फ्रीजी हो जाते हैं थोड़े देर के बाद, जैसे मैं थोड़ा लेट वगैरह जाऊँ तो फ्रीजी हो जाते हैं. तो थोड़ा सा इन्हें इस तरह से लगाना है. यूट्यूब टी शर्ट, काफ़ी दिनों के बाद मैंने यूट्यूब टी शर्ट पहनी है. सो इस तरह से मैं इन्हें वो करती हूँ जिससे ये जब सूखे तो हल्के से वेवी टेक्सचर में आए. देखते हैं कुरियर क्या आया है. तो ये कोलैबोरेशन वाले क्लोथ्स है. तो ये है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी और लहंगा और ये वीडियो के लिए आए हैं, बट वीडियो बनाने के बाद भी ये मेरा ही होता है, अच्छी बात ये है. और काफ़ी कूल साड़ी का कलर मुझे लग रहा है, देखेंगे आप बहुत जल्दी वीडियो में. नमस्कार ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल मदर विकिरण, तुमसे स्वागत करते. तो शूटिंग डन 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 दो. आज सुबह ही मैंने दिखाया था ना बाइक हमारी 15 साल पुरानी, उसी पर आज डेट पर लेकर जा रहे डेट नहीं, एक्चुअली मेरे जो ऑफिस के 2 लैपटॉप है वो ढंग से काम नहीं कर रहे, तो उनको थोड़ा सा अच्छा सा काम करवा कर लाती हूँ. मेन SSD होता है वो लगवा कर लाती हूँ, तो थोड़ा सा लैपटॉप अच्छा चलने लगता है, स्पीड से चलने लगता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा काम भी स्लो हो रहा था. तो बस वही जा रहे हैं और बाइक पर जाएंगे. नहीं नहीं मैंने पानी पूरी वाली भी डेट की होगी, ऐसा थोड़ी है की होगी. चलो कल पानी पूरी डेट करेंगे 25 रुपए में.
क्या बोलते हैं 25 रुपये में हो जाएगी। हाँ अच्छा सोच रहे, देखा बदमाशी सोच रहे नहीं, वैसे भी दोपहर में रहते भी नहीं है पानी पूरी वाले, सड़क पे राज को सड़क की चीजें पसंद ही नहीं है। नहीं पसंद है, सफाई नहीं रखती हाइजीनिक नहीं रखती। तो अभी तो एक ही लैपटॉप हमें मिला है, 3 लैपटॉप उसके पास ही है। मुंबई की गर्मी ने हमें पका दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि लंच के टेबल पर राज मुझे खा जाए और मैं राज को खा जाऊँ, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से गर्मी से पक चुके हैं। चिकन तंदूरी, चिकन तंदूरी। तो मेरे बिल्डिंग के नीचे रेंट पर साइकिल मिलती है 1 घंटे के 15 रुपए, और ये ऐप से चलने वाली साइकिल है, तो ये मैंने ली है। ठीक है, अभी मैं अनिका के साथ साइकिलिंग करूँगी और क्या, बस एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, अनिका को भी मज़ा आ जाएगी। उसको बजाओ बेल को, आ गया आ गया। तो आज के लिए साइकिलिंग बहुत हो गई है, इतनी एक्सरसाइज काफ़ी है, अब घर चले जाएगी। हाँ हाँ, इतनी बड़ी लिफ्ट छोटी लिफ्ट से नहीं जाएगी ना, इससे ही जाएगी। अब मैं साइकिल दे दूँगी, वैसे 1 घंटा नहीं चलाया मैंने, आधा घंटा भी नहीं चलाया। ठीक है बेबी, तुम भी आ जाओ। थैंक यू भैया। हाँ मैं आ चुकी हूँ। ठीक है चलिए, फिर अब मैं बनाऊँगी डिनर। डिनर की रेसिपी नॉर्मल है, एज इट इज़ है। मैं सुरन बना रही हूँ, जिसे हम यम बोलते हैं। ये देखिए, तो ये सुरन के क्यूब्स मैंने इसमें भिगो कर रखे हैं कोकम में। ठीक है, और शाम के 6 बज रहे हैं, तो मैंने बोला डिनर बना लेती हूँ, जिससे 7 बजे तक मेरा डिनर बन जाएगा और 7:30 तक हम लोग खा लेंगे। ये हमारा कुछ दिनों से शेड्यूल चल रहा है डिनर का। और यहाँ पर है पाइनएप्पल स्लाइसेस, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं डिनर बनाते बनाते एक केक भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मोर देन 1 मंथ या उससे भी ज़्यादा मैंने केक नहीं बनाया है, और मुझे बेकिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है। पर हाँ, बेकिंग कई बार गड़बड़ा देती है, मतलब रेसिपी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि एक्यूरेट चीज़ें ना होना तो पता नहीं कैसे बेकिंग गई पानी में, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। सो लकीली मुझे जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सारे मेरे पास है। कुकिंग शुकिंग से मैंने केक की रेसिपी जो है वो निकाल ली है, और ब्राउन शुगर भी मेरे पास है, ये ऑर्गेनिक तत्वा का ब्राउन शुगर। बटर भी है, सिर्फ मेरे पास कंडेंस मिल्क नहीं है, तो उसके अल्टरनेटिव कुछ होगा तो यूज़ करूँगी, वरना मंगवा लूँगी, क्योंकि अभी इतना मेहनत केक बनाने में कर रही हूँ तो एक इंग्रेडिएंट के लिए क्यों पीछे रहूँ। तो सोच रही हूँ कि मंगवा लेती हूँ, और केक भी बनाते हैं और लगे हाथ डिनर भी बनाते हैं। केक की रेसिपी मैं आपको देती रहूँगी, बट आई एम नॉट श्योर कि कितना सक्सेसफुल होगा कितना नहीं होगा। या फिर एक काम कर सकते हैं, मैं पहले केक बना लूँ, अगर रेसिपी अच्छी बनी तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, है ना। ये अच्छा आइडिया रहेगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही ये पाइनएप्पल केक बना रही हूँ, तो पहले मैं बना लेती हूँ, लेट्स सी कैसा बनता है।
आवाज़ आ रही है ना, इसमें मैंने रखा है अभी, आपने देखा, और बहुत मेहनत लगी है, मतलब इतना आसान नहीं था। लेट्स सी कैसा बनता है। थोड़ा सा बैटर एक्स्ट्रा हो गया है, उसे मैं OTG में भी लगाने का सोच रही हूँ, पर फिर मुझे लग रहा है कि पता नहीं कहीं ओवर पावर कंजप्शन हो गया और सब लाइट वगैरह चली गई, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये 12 से 15 मिनट में हो ही जाएगा। और लेट्स सी, मज़ा आ रही है, एक्साइटेड। आप एक्साइटेड हो? आपने बनाया पाइनएप्पल केक इससे पहले? बताओ जल्दी, कमेंट बॉक्स खुल रहा है अपना। हो जाएगा बेटा, तुम खा लो, 25 मिनट है, आराम से हो जाएगा। क्या बोलते हैं, मैं ब्लैंक हो गई। ओके, तो मैं पाइनएप्पल केक जो है निकाल चुकी हूँ अपने कुछ मेरे मुंह में आ क्यों नहीं रहा है, नहीं निकाल लिया है, अभी उसे कूल डाउन होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो वो सेट हो जाएगा। एक्चुअली उसके नीचे मैंने जो सिरप एंड पाइनएप्पल के स्लाइसेस लगाए हैं उसे सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और हम लोग अभी क्विकली हमारा डिनर ख़त्म करेंगे क्योंकि सांड की आँख देखने जाना है मूवी, और इस समय ऑलरेडी 7:10 हो रहा है और 7:45 की पिक्चर है, तो वो तो अच्छी बात है कि मेरे बाजू में ही है मूवी थिएटर। और अनिका पहले तुम खाना खा लो, पहले तुम खाना खा लो, मैं आपको केक भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि रहते हैं अर्निंग्स के बारे में। बहुत सी ऐसी औरतें हैं कुछ करना चाहती है पर अपने घर को छोड़ भी नहीं सकती है क्योंकि उनके ऊपर घर की काफ़ी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो अभी वो घर पर बैठे बैठे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ काफ़ी कुछ कर सकती है, और वो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। सिंपल है, आपको अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है मीशो। मीशो डाउनलोड करते ही उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है, वहाँ पर जाकर आपका एक अकाउंट बना लेना है। अब क्या सोच रहे हैं कि करना क्या है, आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो मीशो एक रीसेलिंग ऐप है, इंडिया का नंबर वन रीसेलिंग ऐप है, जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कैटेगरी की चीज़ें, चाहे औरतों के कपड़े, बच्चों के कपड़े, पुरुषों के कपड़े, घर की डेकोरेशन की चीज़ें, घर की क्रॉकरी, मेकअप, बहुत सारी चीज़ें आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में बेच सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। जी हाँ, कितना आसान है, आपका तो अकाउंट फेसबुक पर होगा ही, आप व्हाट्सएप पर भी होंगे, तो बस इनकी मदद से आपको ये रीसेलिंग का जो बिजनेस है वो स्टार्ट करना चाहिए। और आपको अर्निंग कैसे होगी, क्विकली बता दूँ, अगर आपने ले लिया है एक बहुत ही अच्छा कप का सेट जिसकी कीमत है 300 रुपये, बस आप अपना मार्जिन लगाकर उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बेच दीजिए। अब मार्जिन आप कितना लगाएंगे, जितना आपको सही लगे, आप 100 लगा सकते हैं, 50 लगा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये अफोर्डेबल चीज़ है, आप इस पर 100-150 रुपये और लगा कर इसे बेच सकते हैं, तो बस उतना लगा दीजिए मार्जिन, क्योंकि वो जो मार्जिन होगा वही आपकी अर्निंग होगी। तो जी हाँ, ये मार्जिन आपकी अर्निंग है और यही आपका ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है जो आपको हर महीने करना है, और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, और फिर क्या, आप खुद भी बोल सकते हैं कि यार मैं घर चलाते चलाते पैसे अर्न कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा बिजनेस है उन सब के लिए जो एक्चुअली लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो हाउस वाइफ्स है, स्टूडेंट्स है, या फिर कुछ पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं। बहुत आसान सा तरीका है, बस चीज़ों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, फेसबुक पेज पर डाल दीजिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें बिक जाएंगी और आपकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। बहुत आसान सा तरीका है, सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाइए, डाउनलोड लिंक से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मैंने एक प्रॉपर अच्छा वीडियो भी बनाया है मीशो ऐप के ऊपर जो कि 7-8 मिनट का है, जिसे आप पूरा देखेंगे तो भी आपको एक अच्छा और नॉलेज आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से यूज़ करना है इस ऐप को, तो चेक ज़रूर करिएगा। चलो चलो, मैं अपने केक का थोड़ा सा टुकड़ा खा लूं। इतना टेस्टी बना है ना, क्या बताऊँ मैं, इतना टेस्टी। अरे झूठ नहीं बोल रही हूँ, कोई तो भरोसा कर, बहुत टेस्टी बना है, सबको अभी आकर देती हूँ मैं। लाइक कमेंट सब्सक्राइब, मैं जा रही हूँ मूवी देखने, सांड की आँख।
और केक बहुत टेस्टी बना है। रेसिपी शेयर करना बनता है, और अगर रेसिपी शेयर करूँगी इन फ्यूचर तो डेफिनेटली अच्छा बना, इसीलिए कर रही हूँ। पाइनएप्पल का जो स्वाद आया है ना, कैरेमल होकर ब्राउन शुगर के साथ, और आज ही डाइट चालू किया है, एक चम्मच से ज़्यादा तो नहीं खा पाऊँगी। एक चम्मच खा कर देखोगे, एक चम्मच क्या चीज़ नहीं। ओके गाइस, चलिए बाय 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 बाय।